पास्का पर्व के अवसर पर पास्का का मेमना खाते थे। हम हर पवित्र मिशा में कहते हैं, हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। इस प्रकार हम अपना विश्वास प्रकट करते हैं कि पास्का का वास्तविक मेमना कौन है, ये तो यीशु मसीह ही है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 वाक्यांश 1 से 8, 11 से 14। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 वाक्यांश 1 से 8, 11 से 14। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये तुम्हारे लिए आदि मास होगा, तुम उसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इसराइल के सारे समुदाय को ये आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार करेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हो तो जरूरत के अनुसार पास वाले घर से लोगों को बुलाओ। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक की खाने की रुचि का ध्यान रखो। उस मेमने में कोई दोष न हो, वह नर हो और 1 साल का, वह भेड़ा हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को जब इसराइली उसको कत्ल करेंगे, जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजों की चौखट पर उसका लहू पोत दिया जाए। उसी रात को बेखमीर रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर और हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे, क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा। मिस्र देश में मनुष्यों और जानवरों के सभी पहलौठों बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। तुम लहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वह लहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा, तुम विपरीत विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उस सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। यह प्रभु की वाणी है। Yeah.
जारी तथा क्रूस के बलिदान दोनों की यादगारी मनाते हैं। दोनों अवसरों पर यीशु ने हमें अपूर्व रूप से अपना प्रेम दिखाया है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 23-26। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 23-26। जब जब आप यह खाते अथवा पीते हैं, प्रभु की मृत्यु घोषित करते हैं। भाइयों, मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बता दिया है कि जिस रात को प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यही मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार व्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। इसलिए जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं, आप प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अध्याय 13 पद संख्या 1-15 तक। चैप्टर 13 वर्सेस 1-15। वह पास्का पर्व का पूर्व दिन था। यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वह अपने शिष्यों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान प्यारी के समय तक सीमोन इस्करियोती के पुत्र यूदास के मन में यीशु को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। यीशु जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहां से आया हूं और ईश्वर के पास जा रहा हूं। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वह परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बांधे अंगोचे से पोंछने लगे। जब वह सिमोन पेत्रुस के पास पहुंचा तो पेत्रुस ने उनसे कहा, प्रभु आप मेरे पैर धोते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते
कि मैं क्या कर रहा हूं बाद में समझोगे। पेत्रुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। यीशु ने उससे उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारे पैर ना धो तो तुम्हारे मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सिमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, प्रभु तब तो मेरे पैर हाथ और सिर धोइए। यीशु ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ भी धोने की जरूरत नहीं है, वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं है। वो जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। उसके पैर धोने के बाद वह अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे